गुजरात में जीत के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े ही अरमान से विजय रूपाणी और नितिन पटेल को दोबारा सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन सरकार गठन के महज 3 दिन बाद ही गुजरात सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच भी अनबन की खबरें आ रही हैं। लगातार 6ठी बार गुजरात में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी में आ रहे विवाद का सबसे अहम कारण विभागों के बंटवारे को लेकर माना जा रहा है। दरअसल गुजरात के उप मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय को लेकर खुश नहीं हैं। खबरों के मुताबिक पटेल गृह और शहरी विकास मंत्रालय चाहते थे, इसके साथ ही उन्हें 2 अहम विभाग राजस्व और वित्त मंत्रालय भी नहीं दिए गए। इसकी जगह उन्हें सड़क एवं भवन, हेल्थ एवं फैमिली, नर्मदा कल्पसार, चिकित्सा और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुजरात सरकार में दोनों शीर्ष नेताओं में बड़े तनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी ने सीएम रूपाणी और डिप्टी सीएम से मुलाकात की और विवाद को सुलझाने की कोशिश की। वहीं सूत्रों के मुताबिक गुजरात में सरकार के सामने एक और चुनौती आने वाली है, क्योंकि वडोदरा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने भी विरोध में स्वर उठाए हैं। राजेंद्र त्रिवेदी ने गुजरात शीर्ष आलाकमान के सामने वडोदरा से एक भी विधायक के कैबिनेट में शामिल नहीं करने से नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने तक की भी धमकी दे दी है। वही माना जा रहा है कि गुजरात में ये अंतर्कलह काफी समय से चल रहा है। इसी का नतीजा था कि गुजरात चुनाव में बीजेपी का यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी पहली बार राज्य में 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। माना जा रहा है कि अगर जल्द ही बीजेपी हाईकमान ने इन विवादों पर ध्यान नहीं दिया तो बीजेपी के लिए गुजरात में 2019 की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक ओर अपने ही बगावत पर उतारू है, वहीं मजबूत विपक्ष पहले से ही सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।